हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। छोला भटूरा के साथ फेमस है, ये तो सभी जानते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान करके मैं बताऊंगी, जिसे हर घर में बहुत ही आसानी से छोले बन सकते हैं। टेस्ट तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये काबली चने को 12 घंटा पहले भिगो दिया है, यानी कि ओवरनाइट हमने इसे पानी में भिगो के रखा है। तो चलिए हम छोला बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने प्रेशर कुकर रख लिया है। प्रेशर कुकर को हम गरम कर लिए हैं। अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। देख सकते हैं तेल की मात्रा हमने ज्यादा लिया है। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल में हम डालेंगे 1 बड़ा दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी वाली इलायची, 5-6 लौंग और 1 चम्मच जीरा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तड़कने देंगे। आप देख सकते हैं अपनी मसाले जो है चटकने लगी है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 बड़ा प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर हमें बारीक कटा हुआ प्याज तेल में भूनने में अच्छा लगता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। तो हम तेल में डाल के इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे। हमने चलाते हुए प्याज को 3 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं अपना प्याज जो है सॉफ्ट होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे अदरक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए लहसुन से, तभी छोला अपना टेस्टी लगता है। प्याज के साथ हम इसे भी 2 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि बिल्कुल लहसुन की कच्चापन चली जानी चाहिए। ध्यान रहे अब हम फ्लेम मीडियम करके ही ये सारे प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि अच्छे से भून चुकी है। हमें ऐसे गला हुआ प्याज चाहिए छोले के लिए। अब हम इस स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ध्यान रहे अब हम फ्लेम एकदम स्लो कर लिए हैं। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर भी बढ़िया आता है और छोला अपनी चटपटी भी होती है। तो हमने यहाँ पे मिर्च की मात्रा 3 किया, धनिया का 2 और हल्दी का 1 किया। इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मसाला को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 कटोरी टमाटर प्यूरी, यानी कि ये 3 बड़े टमाटर को हमने प्यूरी बना रखा है। इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर ग्रेट किया हुआ या पीसा हुआ टमाटर का ग्रेवी बहुत बढ़िया होता है। तो इसे हम अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे। ध्यान रहे टमाटर भूनने में हमें 3 से 4 मिनट तक लग सकता है, इसमें जल्दी नहीं करना है। तो हमने टमाटर डाला तो साथ में ही नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक डालने से टमाटर गलता है और अच्छे से भून भी जाता है। तो हमें चलाते हुए इसे भूनना है। आप देख सकते हैं अभी भी अपनी ग्रेवी की कलर कितनी मस्त दिख रही है। टमाटर के साथ मसाले को 9 से 10 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं अपनी कुकर में तेल छोड़ने लगी है। तो यही सही तरीका है अपना टमाटर प्याज मसाला भूनने का। कलर भी देखिए कितनी सुंदर आया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 2 चम्मच
छोले मसाला, ये मार्केट में इजली मिल जाता है। यहाँ पे हम एवरेस्ट का छोले मसाला डाल रहे हैं। मसाला को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम तुरंत डालेंगे ये अपना छोला जिसे हमने दिखाया था, ओवरनाइट सोक करके रखा, दो पानी से वॉश करके हमने छान लिया है। इसे हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें छोला को अच्छे से डूबने लायक पानी डालना है, क्योंकि इसे हमें 7 से 8 सीटी तक पकानी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 ग्लास पानी यूज किया है। ये सारे क्वांटिटी हम 1 पाउच छोले के लिए बता रहे हैं। हाँ, ग्रेवी अपने पसंद के अनुसार थोड़ा गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, पर इतना प्याज टमाटर मसाला हमको 1 पाउच छोले के लिए चाहिए होता है। हमने पानी डाल के छोले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में पानी डालना है यहाँ पे हमें। सबसे फाइनल हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इससे क्या होता है, अपनी छोला जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का डाले हैं। आप देख सकते हैं सोडा डालने के बाद झाग बनने लगा है। यही पकाएगा अपने छोले को, सॉफ्ट होने में मदद करेगा। अब हम कवर लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी पकने के बाद चेक करेंगे। हाँ, आपकी छोला अगर नहीं पकी हो तो 1 से 2 सीटी और पका सकते हैं, क्योंकि छोले पे डिपेंड करता है। कोई कोई छोला जल्दी पक जाता है और किसी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये बात थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने छोले में 7 सीटी मरवा लिया है। गैस को हम बंद कर लेंगे और गैस को रिड्यूस होने देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोला कैसे गला है। प्रेशर कुकर से अपना गैस निकल चुका है। अब हम ढक्कन को खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना छोले का कलर आया है। तो अब हम चम्मच से पहले इसे चलाएंगे। वाह, क्या सुंदर छोला बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप कलर देखिए। अब हम एक चना आपको मैस के दिखाएंगे कि अपनी छोला गली है कि नहीं। तो हम एक दूसरा स्पून की मदद से इसे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अपनी छोले। ऐसे ही छोले होने चाहिए भटूरे के साथ खाने के लिए। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, जिसे हमने तवा पे सेक के क्रश कर लिया है। इससे टेस्ट बढ़ जाता है और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो आपने देख लिया हमने एक ही बार में प्रेशर कुकर में कितनी आसानी से कितनी सुंदर कलर और टेस्ट में छोले बना के तैयार किए हैं। अब चलिए हम इसका लास्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए हम फाइनली तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से छोले की स्वाद बहुत बढ़ जाती है। घी में हम डालेंगे 4 हरी मिर्च और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। इसको हम अच्छे से तड़का लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी मर्चा हींग तड़क चुकी है। तो चलिए हम छोले पे डाल देते हैं तड़के को। यहाँ पे अपनी छोला बनके तैयार है और इसमें ये रहा देसी घी का तड़का। तो ये फाइनली रेस्टोरेंट जैसा अपना तड़का बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिसे हमें पता चल सके कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।